बात जो है तो बतलाई जा सकती। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से उपाय शास्त्रों में बतलाए हैं और वे उपाय ऐसे हैं कि उनमें एक को हम धारण कर लें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। कोई कोई तो साधन साक्षात परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है और कोई कोई सहायक होता है। जैसे संसार के जो विषय भोग हैं, इनका जो त्याग करना है वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक। केवल त्याग मात्र से ही अपने मुक्ति नहीं होती, केवल कर्मों के त्याग से या विषयों के त्याग से ही मुक्ति हुए ऐसी बात नहीं, वो सहायक है। न तस न सनादेव सिद्धि समुद्धि गच्छति। भगवान गीता की तीसरी अध्याय के चौथे श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल त्याग मात्र से ही संयोग की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। साथ के वहां बहिराग होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, उपासना होती है, तभी मुक्ति होती है। केवल त्याग मात्र से ही ऐसी मुक्ति नहीं होती, किंतु सहायक तो है। इससे भी बढ़कर के सहायक है मन और इंद्रियों को बस में कर अपने कंट्रोल में रखना, और इससे भी बढ़कर के सहायक है इसके बीच के मां बहिराग होना। संसार से जब बहिराग हो जाता है तो मन और इंद्रिय अपने आप ही बस में हो जाते, और संसार से मन और इंद्रियों की वृत्तियां अपने आप ही हट जाती। और बहिराग पूर्वक जब उपरती होती है वो तो और विशेष सहायक है। संसार के विषयों से जो राग जो है उसका हट जाना बैराग है, प्रीति का हट जाना संसार के पदार्थों से, स्त्री से, पुत्र से, धन से, रुपयों से, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से, ऐस आराम से, स्वाद सुखिनी से, भोगों से, इन सब से जो एक प्रकार से चित्त की वृत्तियां हट जानी, मन की वृत्तियां हट जानी, एक प्रकार से ये बैराग उन्हें से स्वाभाविक है। इस प्रकार जो एक प्रकार से वृत्तियां को जो हट जानो है उसका नाम तो उपरती है, और उसमें जो प्रीति को हट जानो है उसको नाम बैराग। संसार के विषय भोगों से जो राग को दूर हो जानो, इस पदार्थों से प्रीति को हट जानो तो वैराग है, और चित्त की वृत्ति को हट जानो उपरती है। चित्त की वृत्ति और समझो की आसक्ति यानी राग, ये दोनों हट जावे तब तो फिर कहें क्या सोनो सुगंधी। जैसे सुखदेव जी महाराज थे तो बैराग पूर्वक संसार के पदार्थों से उनकी उपरति थी। उस उपरति को हम लोग अपनी भाषा में उपरांता कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में कथा आती है, वेद व्यास जी के कहने से सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो राजा जनक के हुक्म से सुंदर और युवा स्त्रियां एक प्रकार से उनकी सेवा कर रही है, शरीर के उबटनों करनों
स्नान करना, वस्त्र पहनना, सुगंधित द्रव्य एक प्रकार से लेपन करना, पुष्प माला आदि अनेक प्रकार से आपने सजाना, तो क्यों से कर रही है? जैसे कोई पत्थर की मूर्ति को कोई जैसे करे वैसे कर। बिल्कुल उनके किसी के साथ में संबंध नहीं, किसी को देख रहा नहीं, किसी कुछ नहीं समझा। जैसे किसी को लकवा आ जावे और उसका हाथ उठावे तो उठा दो, छोड़े तो छोड़ दो, अपना कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से की वे सब स्त्रियां दंग हो गई। ये सब संवाद राजा के पास में बतला दिया गया। फिर राजा मिले, कैसे आए हो? बोले मैं आपके पास में ज्ञान सीखने के लिए आया हूँ, उपदेश देने के लिए। बोले महाराज मैं क्या कहूँ, मैं आपको क्या उपदेश दूँ? आप तो बड़ी ऊंची स्थिति में स्थित हो, योग वशिष्ठ में तो यह बात दिख रही है कि आप मुझसे बढ़ करके, मेरे तो भीतर का त्याग है और आपके बाहर भीतर सर्व था त्याग। तो ये वैराग पूर्वक उपरती है, इसका नाम है वैराग पूर्वक उपरती। राग का तो अभाव है ही, किंतु बाहर की तीव्र प्रामता है कि कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार से थी नाभाग के पुत्र जो ऋषभ देव हैं, उनके विषय में भी ऐसी बात आती है कि वो प्रकार दूसरा है। ये एक प्रकार से व्यक्त होकर के वन में विचरण कर रहे हैं और वन के बीच के वहां बांसों के वन में, और वहां चारों तरफ समझो कि आग लग गई है। जिस तरफ से गई उस तरफ नहीं, बाकी आगे तीन तरफ बाएं दाएं और सामने एकदम सब तरफ आग लग गई। लग गई तो लग गई, वो आग के वहीं ऐसा समझो कि चल रही है। माने संसार के जो पदार्थ हैं उनके मां वैराग तो था ही, किंतु उपरति भी इतनी उच्च कोटि की हो गई कि उनको अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं कि शरीर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जड़ भरजी की जो उपरति है उससे भी ये बढ़कर, जड़ भरजी जो हैं उनको देवी के यहाँ ले गए भेंट चढ़ाने के लिए, काटने की तैयारी हो रही है देवी के यहाँ, पशु बलि की जगह उसे की बलि दी जा रही है, कोई परवाह नहीं। किंतु इतना ज्ञान तो है उनको कि ये मुझको सो अपने बलि दे रहे हैं, माने मेरी सो बलि चढ़ा रहे, मुझको देवी के यहाँ चढ़ा रहे, ये तो ज्ञान है। हाँ तो वो भी ऐसा ज्ञान है। तो जड़ भरजी की जो अवस्था है वो भी एक प्रकार से समझो कि वैराग पूर्वक उपरति की अवस्था है। तो चित्त के वहां वैराग भी हो और उपरति भी हो। वैराग का मतलब है कि संसार में पदार्थों में भोगों में क्रिया में किसी के बीच के वहां भी राग न हो, बस ये काफी है। उपरति हो चाहे मत हो, उपरति हो तो और भी अच्छी बात है। कर्मयोगियों के लक्षणों के बीच के मां केवल आसक्ति का अभाव दिखा है, उपरती की परवाह अधिक है। यदा ही नेन्द्रिया सेसु न कर्म सो अनुसज्जते सर्व संग्रह संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा जिस काल के बीच के मां इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के भोगों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन्हें भोगों के बीच के मां ये उसे आशक नहीं होता है, और कर्मों के बीच के मां क्रिया के बीच के मां भी आशक नहीं होता है, तो वह सारे संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। उस योगा कर्मों में और संसार के पदार्थों के मां जो आसक्ति का अभाव है ये वैराग। केवल वैराग से भी काम चल सकता है, और शेरे संसार की तरफ जिसकी वृत्तियां न जाए तो और भी उत्तम बात है। तो संसार में और कर्मों की तरफ में चित्त की वृत्तियों का न जाना उपरती है, और उसमें प्रीति न होना वैराग है। तो अब ये विचार करना चाहिए कि ये परमात्मा की प्राप्ति के मां बहुत ही सहायक है। अब आपको वह साधन बताया जाता है
कि जो परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात जो एक प्रकार से कारण है, यानी साक्षात परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है। जैसे परमात्मा का जो ध्यान है, तो ये परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात हेतु है। तो वैराग उपरती ये ध्यान के बीच के मददकार है, और ध्यान जो है वो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है। कि जैसे भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 21 के श्लोक में बताया है निर्गुण निराकार के ध्यान के विषय में, बाज सप्रशेष अशक्त आत्मा बिंदित आत्मन यह सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख है मक्ष मस्तुते। इसका अर्थ यह है, बार के पदार्थों के बीच के मां जिनकी आसक्ति नहीं है, ऐसा व्रत पुरुष बार के पदार्थों में आसक्ति रहित आत्मा वाला, यानी बार के पदार्थों के मां जिनके मन की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष बिंदती आत्मनीय सुखम, जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, अपने आत्मा के मां वे विज्ञानानंद परमात्मा विराजमान हो रहे हैं, उस विज्ञानानंद परमात्मा का ध्यान करता है, या यूं समझो कि आत्मा ही परमात्मा है। तो इस प्रकार से थी उस आनंदमय परमात्मा के स्वरूप का आत्म रूप से ध्यान करता है। आत्मनि अपने हृदय के बीच के मां उस आनंदमय ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है। है ब्रह्म योगयुक्त आत्मा, वह है ब्रह्म योगयुक्त आत्मा। ब्रह्म के बीच के मां जिनकी एकता है उनका नाम है ब्रह्म योग। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप में युक्त आत्मा वाला, ऐसे ब्रह्म के स्वरूप में समझो कि अनुभव करने वाला सब ब्रह्म योगी युक्त आत्मा, माने ब्रह्म के मां जिसकी आत्मा युक्त है लगी हुई है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त होता है। सुखम अक्षम अश्नुते, अक्षय सुख, अक्षय सुख क्या कि परमात्मा को विज्ञान ब्रह्म का नाम ही यहाँ अक्षय सुख है, तो परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। इस साधन से ये एक निर्गुण निराकार के ध्यान की बात है, और साथ भी भगवान जगह जगह कहते हैं ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति तेजित आत्मानं आत्मना अन्य सांख्य न योग्य न कर्म योग्य न चापरे। ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति एचित, कोई एक उस परमात्मा को अपने हृदय के बीच के मां ध्यान के बुद्धि से अनुभव करते हैं, तो ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। केवल ध्यान से, चाहे भगवान के सगुण का ध्यान करो, चाहे निर्गुण का ध्यान करो, चाहे साकार का ध्यान करो, चाहे निराकार का ध्यान करो, ध्यान की ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान के ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप कहो कि इस प्रकार का हमारा ध्यान लगता नहीं, कोई सरल उपाय बतलाई, तो सरल उपाय भी नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने से भी कल्याण हो जाता है। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने से भी कल्याण हो जाता है। चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय के बीच के वहां भगवान का स्मरण हम करें तो उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। अनन्न चेता सततन योमांग समृति नित्य अशांग सुल व्यापार नित्य युक्त सहयोगी न अनंत चित से अनंत चित हुआ पुरुष जो नित्य निरंतर भगवान कहते जो मेरा स्मरण करता है, सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता है, उस योगी के लिए उस भक्त के लिए मैं सुगम सहज में उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये एक प्रकार से थी भगवान ने बताया। तो बोले ये साधन भी यदि किससे नहीं बने तो और कोई अच्छा सुगम उपाय है, बोले और भी सुगम उपाय। और क्या सुगम उपाय? ये महात्मा पुरुषों के पास में जाकर करके सर उनसे ज्ञान का उपदेश लेवे तो
ये भी एक उपाय है। भगवान कहते हैं गीता की चौथी अध्याय के 34 के श्लोक में कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेश संति ते ज्ञानं ज्ञानिन सततस्मि। तत्मन उस ज्ञान को तू विधि माने ज्ञान किस प्रकार से जानू कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया। प्रणिपातेन माने साष्टांग नमस्कार कर करके और परिप्रश्न ने माने निष्कपट भाव से जिज्ञासु बन करके प्रश्नोत्तर करने से और उनकी सेवा करने से उनकी आज्ञा का पालन करने से वे ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस ज्ञान के द्वारा फिर तुम कभी इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा और सारे प्राणियों को अपनी आत्मा के अंदर देखेगा, उसके बाद के बीच के उसके फल स्वरूप में उस परमात्मा के अंदर देगा, माने एक परमात्मा के अंदर सब कुछ है, इस प्रकार से तू परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करेगा। यह बात भगवान ने उस चौथी अध्याय के 35 के श्लोक में बतलाई। इसका अभिप्राय यह है इस प्रकार से थी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यदि कहो कि अपने में ज्ञान योग की शक्ति नहीं है और मैं इस प्रकार से तीसरे जो कि आपने समझी है और तो फिर क्या करना चाहिए और इससे भी कोई हल्का उपाय है। हाँ बोलो, इससे भी हल्का उपाय वो क्या है? वो यह है कि जिसमें समझने की भी शक्ति नहीं, मूर्ख है और कुछ जानता भी नहीं, न ज्ञान योग जानता है, न ध्यान योग जानता है, न कर्म योग जानता है, एक प्रकार से साधारण मामूली आदमी है, तो कहते हैं कि अन्य तु जानुत श्रुत अन्य भी उपासते ते पिचातितर मृत्युम श्रुति परायण। अन्य तु एवं अजानंत, एवं माने पूर्व के बीच के मां जो बतलाया गया उस परमात्मा की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा हो सकती है, कर्म योग के द्वारा हो सकती है और ज्ञान योग के द्वारा हो सकती है, किंतु ज्ञान योग के लायक बुद्धि नहीं और ध्यान योग बनता नहीं और न कर्म योग बनता है, ऐसी परिस्थिति के बीच में भी कोई उपाय है क्या कमजोर आदमियों के लिए और मूर्खों के लिए? तो भगवान कहते हैं उनके लिए भी उपाय। ऐसे जो नहीं जानने वाले जो पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए कि जानने वाले पुरुषों के पास में जाकर करके उनकी बातों को सुनकर करके और उनके हुक्म के अनुसार साधन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो साधन करते हैं वे भी मृत्यु संसार सागर से तर जाते हैं। इस प्रकार से सुनने के प्रायण हुए और जो साधन करते हैं वे भी संसार सागर से तर जाते। सुनने के प्रायण क्या, जैसे मृग जो है वो बीन बाजे के सुनने के समय एकदम उसके प्राण हो जाता है, एकदम उसके प्राण हो जाता है और पार भी उसको पकड़ लेता है, मार डालता है, परवाह नहीं करता। इसी प्रकार सुनने के समय में तन्मय हो जावे, अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहे, इस प्रकार से तन्मय हो जावे, इस प्रकार से तन्मय होने से ही वो बात भीतर के बीच के वहां समझो कि प्रवेश होती है और पकड़ी जाती है और उसमें ढल जाती है और उसके अनुसार उसका जीवन बन जाता है, क्योंकि श्रद्धा बिना हुए इस प्रकार से प्रणता होती है। वो श्रद्धा प्रधान, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान लब्धवा परांग शांति मैचरण आदि गति, ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो कोई महात्मा नहीं मिले ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करना चाहिए? ये तो आपने कहा कि जानने वाले महापुरुषों के पास में जाकर के और उनकी बात सुननी चाहिए और सुनने के प्रायण होकर के उनकी बात सुननी चाहिए और सुनकर करके उनकी बात को काम में लाना, किंतु महात्मा नहीं मिले ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति के बीच के मां जो गीता आदि जो शास्त्र है इनका अध्ययन करना चाहिए,
भगवान कहते हैं कि इस गीता शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसके द्वारा मैं ज्ञान यक्ष पूजित होता हूँ। और समझो कि धर्म में यक्ष थी ज्ञान यक्ष श्रेष्ठ है, और भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यक्ष पूजित होता हूँ। और बहुत से आदमी ज्ञान ये करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, यत है संक्षिप्तव्रता, संक्षिप्तव्रता यत है, बड़े भारी व्रत को धारण करने वाले यम नेम आदि के पालन करने वाले जो यति हैं, सन्यासी अथवा यति माने यतन करने वाले साधक, स्वाध्याय रूप ज्ञान ये जैसो करते हैं, यानी भक्ति ज्ञान वैराग और सदाचार आदि की जिनमें शिक्षा भरी हुई है, ऐसे जो अपने शास्त्र जो हैं, उनका अध्ययन करना दिलचस्पी के साथ के बीच के में उनका समझो कि अध्ययन करना, उसमें प्रवेश होकर के उसमें जो बात लिखी है उसको समझना, उसको एक प्रकार से हृदय के में धारण करना। क्योंकि इस प्रकार से बहुत से जो ऋषि लोग हैं वे ब्रह्म को प्राप्त हुए, यह भी एक बहुत उत्कोटि का साधन उपाय है। बोलो इसके स्वाद और भी उपाय तो बहुत हैं, बहुत से उपाय हैं। हर समय के बीच के मां भगवान के नाम का जप करना, निष्काम भाव से हर समय में भगवान के नाम का जप करना, तो केवल भगवान के नाम के जप से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरी अध्याय के माँ वेद व्यास जी ने ऋषियों से आदेश दिया है कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में उस हरि के नाम कीर्तन से यशो कल्याण हो जाता है। भगवान गीता की दसवें अध्याय में कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ जो है तो साक्षात मेरा स्वरूप है, और जितनी प्रकार के जो जग हैं ये तो है साधन, और जप यज्ञ वो साध खास मेरा स्वरूप है। क्योंकि जितनी प्रकार के यज्ञ हैं उन यज्ञों के बीच में सबसे बढ़कर कोई जो जप यज्ञ है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, तो केवल जब से समझो कि संसिद्धि हो जाती। मनु की दूसरी अध्याय के बीच में भी बताया है कि जप और संसिद्धि मैत्र ब्राह्मण उच्चति, जप करने वाला ब्राह्मण सबका मैत्र समझा जाता है, और जब से उसकी परम सिद्धि यानी संग सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि जब से हो जाती है। और जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास, कई लोग भी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे होते हृदय स्नेह विषेक, भगवान के नाम का सुमन करना चाहिए बिना रूप देखे भी, तो हृदय का वहां प्रेम हो जाता है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, हरि शब्द का में समान भाव से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपर अजामिल गज गणि काऊ, भय मुक्त हरि नाम पर। तुलसीदास जी ने बालकांड के माँ नाम महात्म में ये बात कही है, हनुमान जी ने भगवान का नाम सुमन कर करके उसको अपने अधीन कर लिया था भगवान को राम को, और हनुमान तो भक्त थे, बड़े बड़े पापी भी नाम के जप के प्रभाव से तर गए। अजामिल जो है महान पापी था, नारायण नाम के प्रभाव से तर गया, अर्ग वेशन जो है अर्गजेंद्र जो है, भय मुक्त हरि नाम पर। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाए, भगवान के नाम की महिमा में कहां तक कहूं। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम जो राम है, वे राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, तो केवल भगवान के नाम से भी कल्याण हो सकता है, किंतु वो नाम निरंतर रहना चाहिए और निष्काम भाव से होना चाहिए, और भगवान के स्वरूप की हर वक्त स्मृति रहे, चलते उठते बैठते खाते पीते उसकी तो बात ही क्या, हर समय में भगवान की स्वरूप की स्मृति रहे उसमें तो फिर बात ही क्या है, किंतु सब समय के बीच के मारने चाहिए। भगवान ने अर्जुन को गीता की
आठवें अध्याय के सात के श्लोक में कहा है, तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्तमर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे ओवैसे संशयम। तस्मा सर्वेशु काले, इस वास्ते हे अर्जुन सब काल के बीच के माँ, तू मुझको याद रखता हुआ और ऐसे युद्ध कर। इस प्रकार से मन बुद्धि मुझ में लगाने से